हाय गाइज, मेरा नाम है प्रवीण एडिट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे एक नई और ट्रेंडिंग दोस्तों रील्स आई है जो काफ़ी वायरल हो रही है क्या दोस्तों, और तुम बहुत लोग उस टाइप पे वीडियो इस बनाए होंगे। मुहावरे तो को आपने ये वाली जानते रील्स हो? तो देखी देखो होगी वहां बैठे दोस्तों। जो कोई भी इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है तो उसकी रील्स दोस्तों वायरल हो रही है। आप देख सकते हो मिलियन में व्यूज है, तो दोस्तों काफ़ी चांस बनता है दोस्तों आप अगर इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो ये भी दोस्तों आपकी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों अगर फटाफट से इस वीडियो को देखो और सीखो, मैं तो बोलता हूँ इस वीडियो को बनाओ और आप अपलोड कर दो। तो दोस्तों काफ़ी आसान तरीका है इसको वीडियो बनाने, आप 2 मिनट में बना सकते हो। भले दोस्तों ये वीडियो 4 मिनट का है, लेकिन आप ये एडिटिंग 2 मिनट के अंदर कर सकते हो भी एक एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन कौन सा है, तो उससे पहले दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए आपको लिंक कॉपी कर लेना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके उसके बाद दोस्तों आप वीडीमेंट में जाना है। तो दोस्तों आप वीडीमेंट या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए। तो मेरे पास वीडीमेंट है, तो वीडीमेंट से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी गैलरी में। तो ये 2 मिनट लोड हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपने जो लिंक कॉपी की है वो आपको सर्च में जाना है एंड आपको पेस्ट कर देना है इधर ऐसे करके। पेश करने के बाद लोड लेगा एंड इसके बाद उसे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर करके फिर डाउनलोड कर लेना है। तो काफ़ी छोटा सा वीडियो है, डाउनलोड हमारा हो गया है, डाउनलोड देख सकते हो हमारा हो गया है। फिर हमको बाहर आ जाना है। तो फिर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है वीएन। तो दोस्तों वीएन दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, मोस्ट ऑफ जो भी एडिटिंग की एप्लीकेशन और जो वीडियो आती है वो दोस्तों इसमें ही बनती है। तो ऐड आएगा, इसको आपको स्किप कर देना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है ये जो, एंड उसके बाद नए प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद जो अभी वीडियो आपने डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर आपको डन कर देना है यहाँ पर जो एरर वाला ऑप्शन है यहाँ पर, सॉरी। तो हमारा वीडियो जो है इसके अंदर इंपोर्ट हो गया एंड फिर दोस्तों हमको थोड़ा वॉल्यूम में कम कर लेता इधर से, इसको प्ले करते हैं हम। बीकू महात्री को जानते हैं? कौन बीकू? वहाँ बैठे। तो यहाँ तक हमको वीडियो को रोकना है जब तक वो दूसरा वाला वीडियो है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर कर लेना है, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको सेलेक्ट करके हमको डिलीट कर देना है एंड ब्लैक वाले पार्ट को भी हमको डिलीट कर देना है। फिर दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो को टैप करना है एंड दूसरे आपको वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर वॉल्यूम को बंद कर देना है। ठीक है, इतना काम हो गया एंड उसके बाद हमारा दूसरा काम बाकी होता है दोस्तों साउंड लगाने का। तो साउंड वाला ऑप्शन पर वापस जाना है, आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है एंड उसके बाद दोस्तों प्लस वाला आइकन में क्लिक करके दोस्तों एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो ऐसा क्लिक करके दोस्तों आपको जो अभी वीडियो डाउनलोड किया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइल का आपको नाम दे देना है, तो मैं कुछ भी फाइल का नाम दे देता हूँ। तो हमारी ये साउंड आ गया है दोस्तों, वीडियो से आपको MP3 में कन्वर्ट हो गया है। तो स्विच कर चूज़ कर देते हम एंड फिर इसको प्ले करते हैं। बीकू महात्री को जानते हैं? कौन बीकू? वहां बैठे। ठीक है, तो इतना आपको कर देना है। इसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है एंड फिर ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पर जाके आपको जिस फाइल में भी आपने फोल्डर में आपने फोटो रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको फोटो आप चाहे तो 2 या 3 फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इधर 2 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम प्ले करके देखते हैं। बीकू महात्री को जानते हैं? कौन बीकू? वहां बैठे। तो हम साउंड पे क्लिक कर देते, इसको हम यहाँ से फुल कर देते हैं। तो जितना हमारा फुल है इतना हो गया एंड इसके बाद उस वीडियो को ड्यूरेशन फोटो पे क्लिक करके आपको छोटा कर देना इस टाइप से, हाँ इतना कर देना। तो हमारा फोटो कुछ इतना कंप्लीट हो गया है एंड इसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगाना, तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके ऐप शुरू करके ये जूम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसका ड्यूरेशन थोड़ा फुल कर देना बैठे। दूसरे वाले फोटो पर क्लिक करके आपको, सॉरी, ये आपको FX वाले ऑप्शन पर जाना है एंड फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करके ये जो फ्लैश वाला ऑप्शन हो रहा है इधर आपको क्लिक कर देना है, इसको थोड़ा हम ऐसे फुल कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको डन कर देना है। तो हमारा एडिटिंग जो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। या ऊपर दोस्तों आप चाहे तो इधर यहाँ पे बहुत सारी फ्रेम है, आपके फ्रेम भी आप जो फ्रेम लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। बीकू महात्री को जानते हैं? कौन बीकू? वहां बैठे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा वीडियो काफ़ी कमाल का बन गया है काफ़ी सिंपल तरीके से। तो वीडियो को सेव करने के लिए दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है, जिस पर आपको एक्सपोर्ट ओरिजिनल करके दोस्तों यहाँ पे डन कर देना है। तो हमारा वीडियो सेव हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। आपकी एक लाइक दोस्तों हमें बहुत मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो यार दोस्तों को शेयर कर दो, और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉमेंट में जरूर बताना। चैनल पर और भी वीडियो अवेलेबल है, तो चाहे वो भी देखना और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं। हमारा ये सेव हो गया है कुछ।
जल्दी से, ऐसा नहीं हो गया टू एल्बम कर देना है।